नमस्कार, खबरों का दंगल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान के अलवर जिले के लगते हुए हरियाणा बॉर्डर इलाका किसानों की दिल्ली कूच और हाईवे को जाम के ऐलान के बाद छावनी में तब्दील हो गया है। हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है और साथ ही किसानों का दिल्ली कूच के ऐलान पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अलवर जिले के शाहजहांपुर केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच केंद्र सरकार की वार्ता निरंतर विफल हो जाने के कारण देश भर के विभिन्न प्रांतों से दिल्ली पहुंचने वाले किसानों की कड़ी में शनिवार को राजस्थान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में राजस्थान के 51 किसान संगठन भी दिल्ली कूच के लिए शाहजहांपुर महापड़ाव स्थल पहुंचेंगे। साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। हजारों की तादाद में किसान कोटपुतली के अंदर एक सभा करेंगे और सभा के बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि हमें कूच किस तरीके से करना है। ये आर पार की लड़ाई होगी और राजस्थान का किसान भी देश के किसानों के साथ खड़ा है। पंचायत चुनाव की वजह से अभी हम मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म पर किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। एक बार बिलों का हमने अध्ययन भी कर लिया। सरकार को किसान हित के अंदर निर्णय लेना चाहिए। जहाँ किसान संगठन बिलों में संशोधन की मांग करें, बिल वापस लाने की मांग करें, सरकार को गंभीरतापूर्वक बात करके देश के प्रमुख किसान नेताओं के साथ बैठ के किसानों के हित के अंदर निर्णय लेना चाहिए। अपनी जीत छोड़ के नए बिल जो किसानों के फायदे के बिल हो वो लाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें ताकि MSP पर जो खरीद हो रही है उससे ज़्यादा मूल्य पर खरीद MSP में भी बढ़ोतरी हो और देश का अन्नदाता जो पिछले 70 साल से इस व्यवस्था परिवर्तन कांग्रेस और इन अन्य पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी का भी शासन है और प्रधानमंत्री जी जो वादे किए थे उनको याद दिलाने के लिए आज देश के किसान सड़कों पर मोदी जी से बड़ी उम्मीद है। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। हम नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे नेशनल हाईवे देख रहे हैं और किसानों ने आज चेतावनी दे दी है कि वो 17वें दिन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। कटीले तारों वाली बैरिकेटिंग पुलिस ने तैयार की है इस दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे। इसके अलावा पुलिस तैयारी में है, सुरक्षा कर्मी तैयारी में, और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी महेश जांगड़। आइए उनसे जानते हैं कि हरियाणा पुलिस की क्या तैयारी है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे ये खड़े रहेंगे। महेश, क्या तैयारी है राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे पुलिस की? प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस बिल्कुल ही सतर्क है। अधिकारी भी हरियाणा पुलिस के आए हुए हैं, राजस्थान पुलिस के भी अधिकारी, एडिशनल SP और SP भी कल यहाँ पे मौका मायना करके गए हैं। पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है और बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। नागौर से जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने कोटपुतली में किसान पंचायत बुलाई है, उसके बाद वो नेशनल हाईवे के जरिए यहाँ पहुंचेंगे और दिल्ली की ओर कूच करना चाहेंगे, नेशनल हाईवे को जाम करना चाहेंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस चाहेगी कि उनको राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया जाए। अब देखना है कि हनुमान बेनीवाल और सांजापुर में जो किसान धरना दे रहे वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं। प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। वही चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता स्वदेश कपिल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। स्वदेश, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, किसानों की तरफ से आज चक्का जाम भी बुलाया गया है, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें अभी तक नजर आ रही है? हाईवे जाम करने की चेतावनी यहाँ पर दी गई थी, क्या कुछ फिलहाल वहां से आपको दिख रहा है, तस्वीरें किस प्रकार की सामने आ रही है? आयुषी, बताना चाहूंगा अभी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल 11:30 बजे नागौर से निकले हैं और उनका कोटपुतली पहुंचने का प्रोग्राम है। यहाँ राजस्थान पुलिस का बंदोबस्त है, जयपुर ग्रामीण पुलिस मौके पर मुस्तैद है जहाँ पर किसान पंचायत होनी है। वहीं दूसरी ओर बैरोड, नीमराणा और शाहजहांपुर थाना पुलिस बॉर्डर पर तैनात है। केवल दबाव की राजनीति के लिए हनुमान बेनीवाल किसान पंचायत कर रहे हैं और दिल्ली कूच का आह्वान किया है, पर नहीं लगता कि ये दिल्ली कूच कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर किसान नेता रामपाल जाट अभी 500 किसानों के साथ जो अलग अलग जिलों से आए हैं, शाहजहांपुर एक प्राइवेट जमीन है उस पर बैठे हुए हैं और पंचायत कर रहे हैं, उनका भी इस तरह का कोई मूड नहीं है कि वो कूच करें। तो आगे देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल की किसान पंचायत के बाद क्या रणनीति होगी।
सुदेश व्यवस्था जी, पुलिस व्यवस्था इस प्रकार है कि किसी भी तरह का न्यूसेंस नहीं हो। एसटीएफ सहित हरियाणा पुलिस के 700 जवान हरियाणा बाबल बॉर्डर पे मौजूद हैं, जहाँ पर डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और उपखंड अधिकारी बाबल मौजूद हैं, मनोज कुमार मौके पर। जी सुदेश, अगर माहौल की बात करूं तो माहौल किस प्रकार का नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आप भी कह रहे हैं कि चक्का जाम का इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, लोगों में इतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ फिलहाल लोगों का कहना है, बातचीत आपने की होगी लोगों से, क्या वो चक्का जाम को समर्थन दे रहे हैं या फिर तस्वीरें कुछ और नजर आ रही है? अभी आयुषी राजस्थान का किसान बिल्कुल भी चक्का जाम के मूड में नहीं है। जी हाईवे पूरा क्लियर है, दोनों तरफ दोनों राज्यों की पुलिस मौजूद है। और बताना चाहूंगा, ये भी लोग नहीं चाहते कि किसी तरह का चक्का जाम हो। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो किसानों पर ये हरियाणा पुलिस लाठी चार्ज करने से नहीं चूकेगी और बंद करने में देर नहीं लगाएगी। दूसरी ओर राजस्थान पुलिस भी नहीं चाहती कि हम इस पचड़े में पड़े जी। और किसानों की बिल्कुल भी रुख नहीं है कि वो चक्का जाम हो या किसी तरह की कोई यहाँ पर अव्यवस्था फैली जाए। सुदेश, अगर जिस तरीके से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी अब दिल्ली कूच करने की तैयारी वो कर रहे हैं, कोटपुतली में महापंचायत बुलाई गई है, अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों में क्या कुछ इस महापंचायत को लेकर अभी तक प्रतिक्रिया आई है, क्या लोगों का इकट्ठा होना अब शुरू हो गया है, क्या लोग इस महापंचायत में शामिल होने के लिए तैयार है? आयुषी मैं बताना चाहूंगा, अभी तक 200-300 किसान रामपाल जाट के नेतृत्व में साझापुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वहीं जो किसान पंचायत होनी है उसके आसपास का एरिया है वो जाट कम्युनिटी का ज्यादा है, उनका धीरे धीरे आना शुरू है। लगता नहीं है कि अभी 400-500 से ऊपर लोग पहुंच पाए हैं। किसानों का रुख खुलकर नहीं आ रहा है क्योंकि सरसों और गेहूं में पानी चल रहा है, इसलिए वो लोग किसान आंदोलन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। राजस्थान का क्लास अभी बिल्कुल शांति धारण किए हुए है। सड़कों पर क्या कुछ असर फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्या किसी प्रकार की जाम यहां पर देखने को मिला है, वाहनों में आवाजाही की किसी प्रकार की परेशानी जाम को लेकर हो रही है? कोटपुतली की तरफ आने वाला नीम का थाना से किसान आएंगे, बांधूर से जाएंगे, कोट कासिम से जाएंगे, वहीं सापरा से आएंगे, वहां कोटपुतली के राजेंद्र कसाना जी हैं, उनके नेतृत्व में आरएलपी सांसद के साथ वार्ता होनी है और इस तरह की महापंचायत होनी है। अभी तक किसानों का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ना कोई कूच की योजना है ना जाम लगाने की। पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैदी से तैनात है, कोटपुतली उपखंड अधिकारी, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद है। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। ये लाइव तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किसानों के आंदोलन की, जहां नोएडा में बाल कटवाकर किसान प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, मुंडन करवाकर ये किसान प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है, चक्का जाम कई हाईवे पर आज बुलाया गया है और इसी की एक तस्वीर ये नोएडा से सामने आ रही है। तो लगातार किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, एक तरफ किसान अड़ा है तो दूसरी तरफ सरकार भी किसान माफ कीजिएगा इन प्रस्तावों को वापस लेने पर नहीं अड़ी हुई है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी कृषि बिल कृषि कानून है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कई दौर की वार्ताएं भी अभी तक किसान और सरकार के बीच हो चुकी है लेकिन अभी तक नतीजा कोई भी निकलकर नहीं आया है। तो मुंडन करवाकर किसान अपना विरोध जता रहे हैं सरकार के खिलाफ। इसी के साथ आपको बता दें कि कई टोल प्लाजाओं को आज बंद भी कर दिया गया है, हाईवे पर
पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ अगर फरीदाबाद गुरुग्राम के बॉर्डर की हम बात करें तो कई बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने शनिवार को हाईवे और टोल जाम करने की घोषणा की थी, जिसके चलते हरियाणा यूपी के कई राज्यों में टोल प्लाजा बंद करवा दिए गए हैं, जिसमें आगरा, मेरठ, गोरखपुर और फरीदाबाद जैसे कई शहर प्रभावित हुए हैं। टोल कर्मियों का कहना है कि रात 12 बजे से ही टोल फ्री हो गया है। तो ये चार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरठ, गोरखपुर, फरीदाबाद, आगरा की, जहां किसानों ने टोल प्लाजा बंद करवाए हैं। इसी के साथ कई जिलों के टोल प्लाजा भी प्रभावित हुए हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये फैसला किसानों की तरफ से लिया गया है। तो आपको बता दें कि रात 12 बजे से ही सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया है। तो कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई राज्यों पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा की तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें फिलहाल अभी आप देख रहे हैं यूपी की, जहां कई जिलों में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। टोल प्लाजा को बंद करवा दिया गया। इसी के साथ पुलिस बल की भी आप तैनाती देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। किसी तरह की अराजकता न फैले, इसके लिए पुलिस भी तैयार है।